बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई का मतलब है साइज ऑफ आयन से, रेडियस ऑफ आयन से। आयन्स आपने दो तरह की पढ़े, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन यदि आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, कैटायन सी फोर कैटायन, और यदि मैं परमानेंट मेमोरी बनाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ जो काट कर बनाया है, काट कर बनाया है वो कैटायन है। एनायन जो ए फोर एनायन जो ऐड करके बनाया है, ऐड करके बनाया है वो आपके पास क्या है, एनायन है। अब आप यहाँ पर देखें, इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लस वन के लिए, एनटीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। काट कर बनाया है, सोडियम था 281, हमने इसको काट दिया, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, काट दिया मतलब ये सोडियम पॉजिटिव बन गया, ये कैटायन बन गया 2 और 8, ये कैटायन बन गया। एनायन, एनायन की बात करें यदि, क्लोरीन था 287, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया Cl नेगेटिव 288, ये आपके पास एनायन बन गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये एनायन बन गया, ये आपके पास एनायन बन गया, ऐड हो गया इस इलेक्ट्रॉन, ये एनायन बन गया। अब बच्चों बात आती है साइज की, कंपैरिजन आता है, अब कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन विद एनायन विद पेरेंट एटम के साथ साइज का कंपैरिजन करें कैटायन और एनायन। सोडियम का पेरेंट एटम है, सोडियम पॉजिटिव, इसका कंपैरिजन करें। हम यहाँ पर ये देखें कि इसके अंदर जेड कितना था, इसका एटॉमिक नंबर कितना था, जेड मतलब एटॉमिक नंबर कितना था, 11। एन ए पॉजिटिव है, एटॉमिक नंबर 11 रहा। इलेक्ट्रॉन्स देखे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वो देखे आपने, इसमें 11 थे, इसमें कितने हो गए 10। तो हमेशा जब भी आयन की साइज निकालनी हो, ध्यान रखना बात, जब भी आयन की साइज निकालनी है तो हमेशा जेड अपॉन ई निकाला जाता है, जेड अपॉन ई निकाला जाता है हमेशा, 11 अपॉन 10, ये 1 और ये 1.1, ये 1.1। यानी आप यदि साइज निकालते हो 11 अपॉन 11, ये जेड अपॉन ई की वैल्यू लार्जर, ध्यान रखना हमेशा वैलिड होगी ये बात, लार्जर द जेड अपॉन ई लेसर इज द साइज। ये तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि कैसे निकाला जाए, साइज कैसे निकाला जाए, जितनी ज़्यादा जिसकी भी लार्जर होगी जेड अपॉन ई उसी की साइज लार्ज लेसर होगी। तो जेड अपॉन ई किसकी थी, एन ए पॉजिटिव की, तो साइज एन ए पॉजिटिव की लेस हो गई एज कम्पेयर टू एन ए। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि सोडियम के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर 11 पॉजिटिव चार्ज है, पहली सेल है 2, 8 और 1, यानी यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स को ये 11 पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन एन ए पॉजिटिव के केस में, ये सोडियम है, एन ए पॉजिटिव के केस में न्यूक्लियर चार्ज तो हो ही रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो 11 पॉजिटिव रहा है, सेल 2, 8, यहाँ 10 पॉजिटिव को 11 पॉजिटिव अपनी तरफ खींच रहा है, 10 नेगेटिव को 11 पॉजिटिव खींच रहा है, तो इस केस में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए कैटायन की साइज याद रखना हमेशा, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम एज जेड अपॉन ई वैल्यू फोर कैटायन इज मोर।
ये बात हमेशा याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है इस बात को। ये आपके पास कैटायन की बात की। अब बात करते हैं बच्चों एनायन की साइज की। हम एनायन को कंपेयर करें तो कंपेरिजन ऑफ एनायन, एनायन को कंपेयर करें एनायन विद पेरेंट एटम, विद पेरेंट एटम एनायन को यदि हम पेरेंट एटम के साथ कंपेरिजन करते हैं, एनायन का कंपेरिजन विद पेरेंट एटम यदि हम करें, एनायन कंपेरिजन विद पेरेंट एटम यदि हम करें तो एनायन जो है वो सीएल है, पेरेंट एटम सीएल है और एनायन बन रहा है सीएल नेगेटिव। आपके पास कंपेरिजन करना चाह रहे हैं एनायन का पेरेंट एटम के साथ, तो एनायन सीएल, ये पेरेंट एटम सीएल है, सीएल है और ये आपके पास सीएल नेगेटिव बन रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें 287, 288, जेड देखें 17, जेड देखें 17, ई देखें 17, ई देखें 18, जेड अपॉन ई देखें 17 अपॉन 18, विच इज लार्जर, जिसका जेड अपॉन ई, बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, मोर द जेड अपॉन ई हाइयर इज द, मोर द जेड अपॉन ई स्मॉलर द साइज, स्मॉलर इज द साइज, इज द साइज। कॉन्सेप्ट क्या था आपके पास, मोर द जेड अपॉन ई स्मॉलर इज द साइज, तो जेड अपॉन ई की वैल्यू यहाँ बड़ी है तो सीएल छोटा होगा एज कम्पेयर टू सीएल नेगेटिव आयंस, सीएल छोटा होगा सीएल नेगेटिव आयंस से। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि क्लोरीन था 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 पॉजिटिव चार्ज था 287, ये 17 पॉजिटिव 17 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था, 17 नेगेटिव चार्ज खींच रहा था। जब सीएल की बात आई, सीएल नेगेटिव की बात आई तो उस केस में 17 पॉजिटिव 288 18 को 17 पॉजिटिव खींच रहे थे, तो सीएल नेगेटिव में या कम खींचा होगा, इसलिए सीएल नेगेटिव हमेशा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू सीएल। ये बात हमेशा याद रखनी है आपको, जेड अपॉन ई की वैल्यू ज़्यादा स्मॉलर साइज। तो यहाँ से एक रिजल्ट पे पहुँचे, निष्कर्ष पे पहुँचे कि एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम। एनायन जो है वो हमेशा बड़ा है, एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम, एनायन पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा है। अब बच्चों क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ से वो बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियई। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियई। फर्स्ट इज आई पॉजिटिव, आई नेगेटिव। तो यहाँ तो बच्चों कोई चीज़ नहीं बची, ये तो बड़ा आसान सा काम हो गया यदि बेसिक चीज़ याद होगी तो। एक कैटायन है, एक एनायन है और एक न्यूट्रल एटम है। हमने पढ़ लिया कैटायन छोटा पेरेंट एटम से, एनायन बड़ा, तो कैटायन तो सबसे छोटा, आई पॉजिटिव, फिर आई और फिर आई नेगेटिव। दूसरा क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट आता है Fe plus 2, Fe plus 3। ये अच्छा क्वेश्चन है, Fe plus 2, Fe plus 3। अब यहाँ दोनों ही कैटायन आ गए भाई, अब जो लॉजिक है उसको नहीं भूलना। लॉजिक ये है कि जेड अपॉन ई निकालना है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, तो सब के अंदर जेड तो 26 भाई। ई का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फर्क पड़ता है, न्यूट्रल है तो 26 रहे इसमें, इसमें 2 कम हुए भाई 24 हुए, इसमें भाई 3 कम हुए 23 हुए,
सबसे बड़ा जेड अपॉन ई किसके लिए आएगा? मेरे ख्याल में तो इसके लिए आएगा भाई, जिसका जेड अपॉन ई सबसे बड़ा उसकी साइज सबसे छोटी, तो सबसे छोटी साइज इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। बोलो भाई, चलो आगे चले, आगे चले बच्चों। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया इसने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, इसी का थर्ड पार्ट है। तीसरा क्वेश्चन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दी, ओ माइनस टू, एफ माइनस, एन ई, एम जी प्लस टू। एक इलाज है, सभी का इलाज एक है। साइज यदि देखनी है तो जेड अपॉन ई पे चले जाओ, जेड अपॉन ई पे चले जाओ, जेड अपॉन ई पे चले गए आप लोग। ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन के लिए 9, नियोन के लिए 10, मैग्नीशियम के लिए 12। इलेक्ट्रॉन 8 थे, 2 नेगेटिव आया 10 हो गए, 9 थे 1 नेगेटिव आया 10 हो गए, नियोन के अंदर 10 ही रहे, मैग्नीशियम के अंदर 12 थे 2 पॉजिटिव आया 10 हो गए। वैल्यू 0.8, 0.9, 1, 1.2। जिसका जेड अपॉन ई सबसे बड़ा उसकी साइज सबसे छोटी, जिसका जेड अपॉन ई सबसे बड़ा उसकी साइज सबसे छोटी, तो सबसे छोटी साइज इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ये आपके पास है, बोलो भाई। यानी कि सबसे बड़ा कौन आया? ओ माइनस टू, फिर कौन आया? एफ नेगेटिव, फिर कौन आया? एन ई, फिर कौन आया? एम जी प्लस। अगला क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन दिया हमें क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहा? कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, फॉलोइंग स्पीसीज, कुछ एक स्पीसीज दे रखी, पी माइनस 3, एस माइनस 2, सी एल नेगेटिव, के पॉजिटिव एंड सी ए प्लस 2, सी ए प्लस 2। और ये कहा है भाई, ये स्पीसीज हैं। अब इसका पार्ट नंबर 1 पूछा है आपसे क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 1, व्हाट इज कॉमन इन देम, व्हाट इज कॉमन इन देम, इनमें कॉमन क्या है? तो भाई कॉमन देख लें, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। इलेक्ट्रॉन देखें पहले इनमें सब में ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें यदि कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 3 नेगेटिव चार्ज है प्लस 3, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। सल्फर का 16, 2 नेगेटिव है प्लस 2, 18। क्लोरीन का 17, 1 नेगेटिव है प्लस 1, 18। पोटेशियम का 19, माइनस 1, 18। कैल्शियम का 20, माइनस 2 बराबर 18। तो भाई कॉमन तो मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉन आगे सब में 18 18 18। व्हाट इज कॉमन इन देम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब सेम इलेक्ट्रॉन हो तो इसको क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो ऐसी स्पीसीज क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब दूसरा पार्ट इसी का क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछा हमसे, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, अरेंज देम, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। बता दिया, जब भी आयनिक रेडियाई की बात आए जेड अपॉन ई निकालो भैया। फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, और ई सब में सेम आगे 18 18 18 18 और 18। जिसका जेड अपॉन ई सबसे बड़ा उसकी साइज सबसे छोटी, जेड अपॉन ई सबसे बड़ा उसकी साइज सबसे छोटी, तो सबसे छोटी साइज किसकी आ गई? कैल्शियम प्लस 2 की। फिर किसकी आ गई? पोटेशियम प्लस की। फिर किसकी आ गई? फिर किसकी आ गई? सी एल नेगेटिव की। फिर किसकी आ गई? एस माइनस 2 की। सबसे बड़ी किसकी आ गई? पी माइनस 3 की, पी माइनस 3।
बोलो रही, ये आपके पास आयनिक रेडियाई से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस थे, आयनिक रेडियाई से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस थे आपके पास जो मैंने आपको करवा दिए हैं, इनको आप पढ़ें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है। प्लस वन NTSC में क्वेश्चंस जनरली पूछ रहता है, एक छोटा छोटा क्वेश्चन, इसको पढ़ लें, ये काम आएगा।